हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? अभी 10 बज रहे हैं, तो पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तो फिर आगे सोचते हैं क्या होता है। बिना प्रेस के कपड़े ऐसे ही दिखते हैं। बहुत पुराना और बहुत फेमस है। यहाँ पे मिठाई बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो अभी ब्रेकफास्ट में यही सर्व करते हैं और पाए करते हैं। पाए तो मैंने ऑर्डर नहीं करवाए, हम मिठाई खाते हैं, तो अभी ऑर्डर दिया है। ब्रेकफास्ट में ये निहारी और पाए सर्व करते हैं, तो निहारी और रोटी आ गए हैं। अभी निहारी तो आ गई है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इतना फेमस है कि मुग़ल लोग जो थे ना, इनके बाप दादा जो थे वो मुग़लों को खाना बना के खिलाते थे, तो वो लोग पसंद करते थे ये खाना। तो ये इसी वजह से इतना फेमस है। जो लोग दिल्ली आते हैं वो लोग करीम का खाना ज़रूर खाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही अच्छा बनाते भी हैं। फ्राई करते हैं, हम गरम है, फ्रेश देते हैं ये। अब पाया मंगवाया है, ये पाया है, ये भी बहुत टेस्टी होता है, तो आज मैं फर्स्ट टाइम इसे भी ट्राई करती हूँ। बहुत अच्छा है, वो तीखा था, ये थोड़ा कम तीखा है, लेकिन बहुत अच्छा है। छोटा चाय का कप, तीन नंबर कलर है, तीन नंबर पानी है। अभी थोड़ा यहाँ घूम लेते हैं, तो फिर हम देखते हैं शायद सरोजनी जाके, और सरोजनी का भी एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग। जामिया मस्जिद का व्यू है, नाइस, ब्यूटीफुल। तो ये दिल्ली की जामिया मस्जिद है, जो कि इंडिया में सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, जो कि लाल किले के पास ही है। 6 सालों में ये जामिया मस्जिद तैयार हुई थी। 24 जुलाई 1956 को पहली बार शाहजहां ने यहाँ नमाज पढ़ी, और वो भी दिल्ली के लोगों के साथ। पहले इस मस्जिद का नाम मस्जिद जहानुमा था, उसका मतलब होता है कि तमाम दुनिया को देखने वाली मस्जिद, क्योंकि ये बहुत ऊंची है, बहुत बड़ी है। मैं आपका सोफिया कालिन, बहुत क्यूट हो, बहुत सो स्वीट। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कहाँ पर रहते हो? यहीं पे। सो स्वीट। हाय हाय बोलो। तो आप देख सकते हैं जामिया मस्जिद के साथ में ही जो है वो लाल किला भी है। जामिया मस्जिद एक ऊंची पहाड़ी पे बनाई गई थी, क्योंकि शाहजहां ये चाहते थे कि उनके महल से मस्जिद ऊंची लगे, उनके महल से ऊंची मस्जिद लगे, इसलिए उन्होंने एक पहाड़ी चूज़ की, उस पे बनाई मस्जिद। तो इस पाक और मुकद्दस मस्जिद में
जब पत्थर लगाए गए तो एक एक पत्थर कुरान शरीफ पढ़ के लगाए गए। एक पत्थर पे पूरा कुरान शरीफ पढ़ के फिर लगाया जाता था। काफ़ी रश भी रहता है और ये खूबसूरत हिस्टोरिकल मस्जिद है। आपका नाम क्या है? अयान मिले हैं, जो कि बहुत स्वीट है। वो अपने व्लॉग में डालना चाहती हूँ। ठीक है, मेरा व्लॉग देखना। ठीक है, पूरा भरोसा है हम लोग क्या, हम आपको मेहनत करेंगे, काम करेंगे, हम लोग को भरोसा है। धूप में हम लोग मेहनत तो है, हम लोग बहुत दूर से जाकर ब्लॉग करते हैं। बस आप लोग का प्यार चाहिए। तो यहाँ पे मुझे आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन कुमार आज पड़ेगा। अच्छा, आप कहाँ से? हम बिहार बेतिया से। अच्छा, आप भी यूट्यूबर हैं? हम यूट्यूबर हैं, हमारा यूट्यूब चैनल चलता है, रीता फिल्म्स के नाम से चलता है। अच्छा, बहुत सारा अच्छा खासा पब्लिक का प्यार मिला है, जिसमें 48,000 सब्सक्राइबर है। बहुत अच्छा प्यार दिए हैं लोग। अच्छा, मैं आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करती हूं। ठीक है, तो आपका भी यूट्यूब चैनल सना? हाँ हाँ हाँ, क्या तो सना जी को आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा मेहनत कर रही हैं, देख रहे हैं बहुत अच्छे से दूर पे जा रही है और हाई क्वालिटी कैमरा से वीडियो भी शूट कर रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा, जिस तरह मुझे प्यार देते हैं इनको भी सपोर्ट कीजिए। तो सीरियसली आज तक मैंने ऐसी लस्सी नहीं पी है। तो हम दुम्बा देखने जा रहे हैं, मैंने कभी उनको सामने नहीं देखा है। वो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी कीमती भी होते हैं। इनको लग रहा है मैंने कुछ खाने के लिए लाया। तो ये इनकी देख रेख करते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत है और ये इतने कीमती भी होते हैं। बहुत सुंदर है। अभी इनकी कीमत क्या है? इनकी कीमत है जी, हिसाब से होती है। अच्छा। जितना बड़ा है उस हिसाब से कीमत है इनकी। अच्छा। और जो छोटा बच्चा है तो इसकी 60-70,000 की है। अच्छा। माँ है तो माँ की है 1,00,000 की है। इसकी 1,00,000 है? इसकी माँ की, वो माँ खड़ी है कोने में। अच्छा अच्छा, उसकी 1,00,000 है। इसका? इसका 80-90,000 में। अच्छा, तो बच्चा है अभी। ये इतने महंगे क्यों होते हैं? ये महंगे खरीदे जाते हैं, महंगे बिकते हैं। हम भी महंगे खरीद के लाते हैं। अच्छा, महंगे ही बेचते हैं। अच्छा, कितने दुम्बा? जी दुम्बा है, ये तुर्की पाकिस्तान की नस्ल है ये तुर्की। हाँ, तभी महंगे नहीं सब जगह नहीं होते। सब जगह नहीं होते क्योंकि महंगे होते हैं ना, महंगे खरीदते हर कोई महंगा खरीदता नहीं, कपड़ा तो महंगा खरीद लेता। हाँ हाँ, बाहर ही होते हैं बस। एक रूम में चार होते हैं? कौन से जानवर है आपके पास? नहीं, हमारे पास तो यही है। बाज नहीं? अभी बाज हमारे पास नहीं होता। बाद हमारे पड़ोसी के पास होता है। अच्छा, अच्छा, उन्होंने भी अब बाज जो है बंद कर दिया उन्होंने। इनका एक रूम में ये 4-5 होते हैं। बहुत सुंदर है माशाल्लाह। हमारे फ्रीडम फाइटर्स की 11 मूर्तियाँ जो हैं वो यहाँ हैं। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियाँ। नेहरू हाउस लेकिन जब उसको बना दिया प्रधानमंत्री म्यूजियम। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे नेहरू जी यहाँ पे रहते थे। ओके, यहाँ पे अब इसको बना दिया प्रधानमंत्री म्यूजियम। तो फाइनली हम सरोजी मार्केट पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे बहुत रश होता है, तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ। काफी कम रेट के हैं ये, 100 के हैं ये। तो
येलो लेमन क्या है ये कलर, ये मेरे पास था ऑलरेडी, रेड जो मेरे पास था नहीं तो मैंने रेड ही ले लिया। हेलो सदमा लगा भैया, 300 नहीं 50 रुपीज़ दूंगी। बोलो मैं कितने का है? 30 रुपए की। 30 शुक्रिया अंकल। ये 100 का है तो पता नहीं, मुझे नहीं पता मेरा मेरे पे कैसा सूट करेगा, पर मिल जाएगा। ये प्रिंट ये भैया 500। जैसे आटा खरीद के आई हूँ, देखो कितनी सस्ती और अच्छी चीजें हैं, जिसको आना लेना है वो आके ले जाए। भैया क्या करते हो ऐड इसमें? नीम होता है, कच्चा आम होता है, पुदीना, धनिया, बूंदी डालूं? डालो भैया डालो बूंदी। देखो कितना क्राउड होता है यहाँ इस मार्केट में, बहुत ज्यादा क्राउड है। प्रोटीन ज्यादा, नमक नहीं डालना, मिर्ची मिर्ची भी नहीं। तो ये बहुत हेल्दी है, बहुत एनर्जी भी खत्म हो गई है चल चल के। हम जूस पीते हैं, मैंने जूस लिया क्योंकि यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है। अब हम निकल रहे हैं वापस, आवाज़ यहाँ पे कम आ रही है तो अब जो खरीदना था वो तो खरीद लिया, बस अब जा रहे हैं। और फ्लैग, अभी यहाँ बारिश हो गई है, अभी ठंडा फील हो रहा है, वरना गर्मी से जान निकलती जा रही थी। अल्लाह इसके दर्शन किसी को ना करवाए अंदर जाके, बाहर से ठीक है इसके दर्शन करना, अंदर किसी को ना करवाए। देखो इंडिया गेट है, ये इंडिया गेट सुंदरता। ये शाही टुकड़ा है, मीठा रहता है।